प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्णिया के तमाम सरकारी दफ्तरों में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, किंतु पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के समारोह पर कोरोना का प्रभाव देखा गया और कोरोना नियमों के पालन के कारण ही कहीं भी ज्यादा भीड़ नहीं रही और साधारण तरीके से झंडे को सलामी देकर गणतंत्र दिवस को मनाया गया। पूर्णिया कमिश्नर कार्यालय, आईजी कार्यालय, डीएम कार्यालय, एसपी कार्यालय, जिला परिषद अध्यक्ष कार्यालय, पूर्णिया डीडीसी कार्यालय, एसडीओ कार्यालय एवं न्यायालय परिसर में तिरंगे को लहराकर एवं सलामी देकर इस दिवस को मनाया गया। इस मौके पर सभी जगह देश समाज की तरक्की और राष्ट्र प्रेम के प्रति समर्पित रहने पर वक्ताओं ने विशेष बल दिया और कहा कि हम ईमानदारी पूर्वक काम करके अपने समाज को जब तक आगे नहीं बढ़ा लेते हैं तब तक देश और समाज की समुचित तरक्की असंभव है। इसलिए हमें प्रत्येक व्यक्ति की तरक्की को देखना होगा, तभी हम एक विकसित समाज को साकार कर सकते हैं। इस अवसर पर देश को आजाद करने में जितने क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया उन लोगों की शहादत को भी याद किया गया। राष्ट्रीय सलूट, सलामी सत। गणतंत्र दिवस के अवसर पे समस्त पूर्णिया वासियों को मेरी ओर से शुभकामना। कोविड का समय भी चल रहा है, विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सभी लोग मास्क जरूर पहने और जो ये राष्ट्रीय दिवस है गणतंत्र दिवस, इसको सद्भावना के साथ सेलिब्रेट करें। समस्त जिला वासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। जिसको हर्षो उल्लास से हम लोग बड़ी बात है। कोरोना काल के कारण भी आज बहुत तरह की परेशानी रही है और फिर इस कोरोना काल में भी हम लोग को बहुत संयम से भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इस संयम के बावजूद भी आज हमारे देश के सेना देश पर डटे हुए हैं और इस आज़ादी के कारण हमारे देश के शहीद हुए सेना को मैं सत सत नमन करना चाहता हूँ, उस माता को नमन करना चाहता हूँ। आज हम लोग सब मिल करके 73वां 26 जनवरी मना रहे हैं आज़ादी के, संपूर्ण आज़ादी हम लोग का ये 50 में आज़ादी के दिन मिला था। यही कामना करते हैं कि सब आदमी भी संपन्न रहे, कोरोना को मध्य नज़र रखते हुए सब परहेज करते हुए
जग को संपन्न करें। 73वां गणतंत्र दिवस आज हम नेताजी हैं और यहाँ पे हैं, ठीक ना। हम लोग सभी हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं। भारत का जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है और हम लोग पूरे भारतवासी तभी से ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत में जो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तिरंगा को लहराया और उसी दिन से हम पूरे भारतवासी मना रहे हैं। और आज का दिन संकल्प लेने का दिन है। हमारे देश में अगर किसी भी तरह की विपत्ति आती है, किसी भी तरह की परेशानी आती है, जो हमारे तीनों सेना है, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, जो भी है, हम सभी किसी भी विपत्ति से लड़ेंगे। आज का दिन संकल्प लेने का दिन है। आज के ही दिन हमारे देश में कानून पारित हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान को लिखा, उस संविधान को जो है 26 जनवरी से हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और उस कानून को पालन कर रहे हैं। लेकिन हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में कुछ हम कहना भी चाहेंगे कि हमारा जो कानून है, हमारा जो संविधान है, हम जिस चीज़ को मानते हैं, जहाँ पे हमें इस कानून को पूरे देश को पालन करना चाहिए और हम लोग सभी उस चीज़ को पालन करते आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा देश का जो तिरंगा है किसी भी दुश्मनों के सामने झुक नहीं सकता है, किसी भी विरोधियों के सामने झुक नहीं सकता है। हमारे देश की सैनिक के अंदर उतनी ताकत है और हम उस सैनिकों को आज इस तिरंगा को फहरा के उसकी हौसलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राष्ट्रीय सैलूट, सैलूट, जन गण मन। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गोद। स्थान है टीचर्स कॉलोनी। आज का राष्ट्रीय पर्व राजीव कुमार मिश्र के स्थान पर यह 73वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झंडा फहराया गया। किनके द्वारा फहराया गया? मेरे द्वारा फहराया गया। अच्छा, ये कमा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है 73वां। आज के दिन आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज के दिन लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि वह सफाई पर अधिक ध्यान दे, स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दे और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कल्याणकारी कार्य करें। राष्ट्र दिवस के मौके पर जी गणतंत्र दिवस इसलिए हम लोग मनाए कि जो भी आदमी जागरूक नहीं है कि गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं। गणतंत्र दिवस जो है एक कानून है, 1949 में ये कानून को बनाया गया, 1950 में भी बनाया गया। गणतंत्र दिवस सरकारी कानून और बाहरी काम क्रिया जो भी है ये गणतंत्र दिवस में ही पास किया गया है। मगर हमारे मुजफ्फर अहमदनगर में जितने भी आदमी हैं कानून का कोई बात नहीं करता है, नाला का कोई बात नहीं करता है, सिर्फ हवा हवाई बात करता है। ये जो नाला पास हुआ है किसी पार्षद के द्वारा पास नहीं किया गया है, ये विधायक कोटा के द्वारा से हम लोग का समाज मिल करके नगर निगम को, नगर आयुक्त को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे साथ दिए और ये नाला को काम करने का काम किए।